हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के बारे में, जो कि सेल साइकिल का रेगुलेशन करता है। तो किस तरह से रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन सेल साइकिल का रेगुलेशन करता है, उसके बारे में हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो इसका रेगुलेशन समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से जीन से ये कोडेड होता है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे पहले। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होता है, इसको जनरली हम PRB से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, ये एक पर्टिकुलर जीन से कोड होता है, जिसका नाम है RB1 जीन, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा 1 जीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये एक्चुअल में ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब ऐसे जीन होते हैं जो कि सेल साइकिल का कंट्रोल करते हैं, सेल साइकिल को अननेसेसरीली ये ग्रो करने नहीं देते, मतलब सेल साइकिल का ये लोग उसको स्टॉप करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं सेल साइकिल के। मतलब रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा होगा। सो ये जो RB1 जीन है, इसमें से PRB या फिर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक 110 किलो डाल्टन का एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है। तो अगर किसी वजह से इस पर्टिकुलर जीन में, मतलब RB1 में किसी वजह से अगर म्यूटेशन हो गया, तो ये आगे चल के क्या करेगा, सेल साइकिल का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से कि कंटिन्यूसली सेल का डिवीज़न होता रहेगा। एंड ये क्या करेगा, कैंसर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा, ये जो RB1 जीन है, इसमें से लॉस ऑफ फंक्शन के वजह से कैसे कैंसर्स होते हैं, कौन से कैंसर्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका रोल क्या होता है सेल साइकिल में। तो इसके रोल समझने से पहले हम एक और मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं, E2F, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो अगर हम बात करें E2F मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा। और ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, एक्चुअल में ये साइक्लिन ए का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है। साइक्लिन ए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, G1 से S फेज में जाने के लिए हमें साइक्लिन ए मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो E2F एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि साइक्लिन ए का सिंथेसिस करता है। लेकिन अगर सेल एस फेज में जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं है, तो क्या होता है, E2F को हमें सप्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि E2F का काम ही यही है कि सेल को बोलेगा G1 से एस फेज में चले जाओ, लेकिन हमारा सेल अभी तक रेडी नहीं है, जिसके वजह से कि हमें ये पर्टिकुलर E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सप्रेस करके रखना पड़ेगा। और इसको जो सप्रेस करके रखता है, वही होता है हमारा रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन या PRB। PRB जब E2F को इसके साथ जब बाइंड हो जाता है, तब ये E2F मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, तो डेफिनेटली ये क्या नहीं कर पाएगा, G1 से S फेज में सेल को लेकर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिन ए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस अभी नहीं कर पाएगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन अभी ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जब ये PRB या फिर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक्टिवेट रहता है या एक्टिव फॉर्म में रहता है, तो सेल को G1 से S फेज में जाने के लिए नहीं देता है। तो यहाँ पे अब बात आती है, अगर सेल को G1 से S फेज में जाना होगा, तो ये कैसे जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, G1 फेज में कुछ साइक्लिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, फॉर एग्जांपल साइक्लिन डी, साइक्लिन ई। साइक्लिन डी जब CDK4 और 6 के साथ अटैच होता है, तो G1 फेज में आता है, उसमें से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है, और वो आगे चल के साइक्लिन EN2 को CDK2 का भी सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा देखते हैं, जब सेल G1 से S फेज में मूव कर रहा होगा, तो इस केस में क्या हो रहा है देखिए, जब ये जो PRB या फिर हमारा रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन पहले जब एक्टिव फॉर्म में था, तो E2F मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड हो रहा था।
लेकिन अब हमें क्या करना है, अब सेल को G1 से S फेज में जाना है, क्योंकि जितना ग्रोथ सेल को अचीव करना था उतना ग्रोथ उसने अचीव कर लिया है, और अभी सेल को S फेज में जाके DNA सिंथेसिस करना है और फिर आगे सेल साइकिल को बढ़ाना है। तो इस फेज में क्या हो रहा है देखिए, जब साइक्लिन डी इसके साथ हमारा CD के 4 और 6 मॉलिक्यूल आते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है साइक्लिन ई एंड CDK2। ये दोनों मॉलिक्यूल जब सिंथेसिस हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करने लगते हैं। तो जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक्टिव कब था, जब ये डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में था तभी ये एक्टिव था, लेकिन अभी इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया गया है जिसकी वजह से कि ये इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, इसका जो एक्टिव साइट है जो कि E2F मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा था, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं और जिसके वजह से कि E2F मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। अब जैसे ही E2F मॉलिक्यूल PRB या रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से डिटैच हो जाता है, ये मॉलिक्यूल अभी हो जाता है एक्टिव। जब E2F मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है तो इमीडिएटली वो DNA प्रोटीन के साथ या फिर जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ अटैच होने लग जाता है। DNA बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कि जनरली DP के नाम से जानते हैं, ये DP प्रोटीन DNA बाइंडिंग प्रोटीन जैसे कि HDAC मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके साथ ये बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको एक्टिव फॉर्म में नज़र आएगा जबकि वो E2F मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन कर देते हैं, और ये फाइनली न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलर जीन जो कि S फेज साइक्लिन का सिंथेसिस करेगा, फॉर एग्जांपल साइक्लिन ई, तो वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होगा, साइक्लिन ए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं जो साइक्लिन ए मॉलिक्यूल है वो सेल को S फेज में ले जाएगा और S फेज में आगे चल के सेल का DNA का रेप्लिकेशन होना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो RB1 जीन है, किसी वजह से अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा। उसको समझने से पहले यहाँ पे एक और मैकेनिज्म के बारे में दिया गया है। ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है या फिर ये पर्टिकुलर जो डायग्राम यहाँ पे है वो मैंने ऑनलाइन या गूगल प्लेटफॉर्म से लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले जब RB या फिर रेटिनोब्लास्टोमा जब फॉस्फोराइलेटेड नहीं था तो ये E2F मॉलिक्यूल के साथ बाइंडेड था, लेकिन जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है साइक्लिन एंड CDK की वजह से ये डिटैच हो जाता है एंड E2F मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। और ये E2F मॉलिक्यूल DNA के अंदर जाके इसको ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, साइक्लिन ए मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और सेल साइकिल जो है ये आगे ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा जीन में या RB1 जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा। ये है म्यूटेशन का केसेस, म्यूटेशन ऑफ RB1 जीन। तो अगर RB1 में म्यूटेशन होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक डिजीज़ होता है जिसको नाम देते हैं रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ट्यूमर को सप्रेस करके रखना। और हम जानते हैं ट्यूमर कब फॉर्मेशन होता है, जब अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न होने लग जाता है, मतलब सेल जब कंटिन्यूसली रैपिडली डिवाइड करने लग जाएंगे तब जाके यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होता है वो यहाँ पे क्या करेगा, सेल डिवीज़न को रोकता है, ये कंट्रोल करता है। तो अगर RB1 जीन डिसफंक्शनल हो गया या फिर इसमें म्यूटेशन हो गया तो डेफिनेटली ये जो PRB प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से कि यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़ हो जाएगा और ये एक तरह का कैंसर होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है
ओके, ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये कहाँ पे होता है? ये जनरली देखने को मिलता है रेटिना में। रेटिना में यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो अगर बात करें इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में, तो ये जनरली दो तरह का हो सकता है। आइदर ये आपको हेरिडिटरी देखने को मिल जाए, ओके, या फिर ये देखने को मिल जाए स्पोराडिक। स्पोराडिक वो फॉर्म्स होते हैं जो सोमाटिक म्यूटेशन के वजह से होंगे और ये हेरिडिटरी नहीं होते। तो यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फॉर्म्स के बारे में, हेरिडिटरी एंड सोमाटिक के बारे में। तो अगर हम हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इस RB1 जीन जो पर्सन को ये हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा है वो क्या करते हैं, कोई एक पेरेंट से उनके पास ये डिसफंक्शनल RB1 जीन आता है। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये पर्टिकुलर जो डिजीज़ है ये रिसेसिव डिजीज़ है। तो अगर ये रिसेसिव डिजीज़ है तो दो क्रोमोसोम में या फिर दो RB1 जीन में लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन का होना ज़रूरी है। और अगर किसी एक पेरेंट के पास RB1 डिफेक्टिव है और वो अपने चाइल्ड को वही RB1 दे देता है, तो अभी तक आप सोच सकते हैं कि दूसरा RB1 जीन अभी तक फंक्शनल है। लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से अगर सोमाटिक म्यूटेशन हो गया और दूसरा RB1 जीन, एक तो पहले से नॉन फंक्शनल था और दूसरा भी अगर किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो गया, तो अब जाके इस पर्टिकुलर इंसान में क्या होने लगेगा या फिर इस चाइल्ड में क्या होने लगेगा, इसको हो जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर। ओके, इसको तब होगा रेटिनोब्लास्टोमा। यहाँ पे ये जो हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा होता है जनरली अर्ली इन लाइफ आपको देखने को मिलेगा। ओके, चाइल्डहुड में जनरली ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोस्टली ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है दोनों आईज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटरी है तो डेफिनेटली एक जीन पहले से म्यूटेटेड था, उसके साथ साथ अगर सोमाटिक म्यूटेशन है तो मोस्टली ये देखने को मिलता है कि दोनों ही आईज़ में ये आ जाता है। लेकिन अगर स्पोराडिक के बारे में हम बात करें, तो ये जो स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये हेरिडिटरी तो नहीं होते। मतलब इस केस में क्या है, इस पर्टिकुलर चाइल्ड के पास दोनों रेटिनोब्लास्टोमा के जो जीन थे ये दोनों ही फंक्शनल थे, मतलब दोनों में आपको कोई म्यूटेशन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अगर किसी वजह से किसी भी वजह से अगर कोइंसिडेंटली दोनों ही जीन डिफेक्टिव हो गए, मतलब कोई भी म्यूटेशन हो गया मान लीजिए इस पर्टिकुलर जीन में, और ये दोनों ही जीन मान लीजिए डिफेक्टिव हो गए, तो अब क्या होने लग जाएगा, अब भी इस पर्टिकुलर पर्सन के जो आए हैं या जो रेटिना है उसमें ट्यूमर का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और इसे बोला जाता है स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा। ये जो स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा होता है जनरली हमें लेटर ऑन देखने को मिलता है, मतलब लाइफ के लेटर स्टेज में आपको ये पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जनरली ये कहाँ देखने को मिलता है, ये वन आई में आपको नज़र आएगा। जैसे कि हमने हेरिडिटरी केस में देखा था कि ये जो हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा है ये दोनों आई में मोस्टली देखने को मिलता है, लेकिन स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो जनरली एक सिंगल आई में आपको देखने को मिलेगा। सो ये था रेटिनोब्लास्टोमा जीन एंड उसके रेगुलेशन के बारे में। आपने अभी देखा कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है किस तरह से E2F के साथ मिलके सेल साइकिल का रेगुलेशन करता है, सेल साइकिल का कंट्रोल करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।